पापा जी, मम्मी जी और बच्चे बच तो जाएंगे ना? कुछ नहीं होगा मेरी रेनू को और मेरे बच्चे को। फिर से यहां आ गया ये कमीना। अब पता नहीं कौन सा नया कंफ्यूजन क्रिएट करने आया है। पापा जी, वही तो मैं प्रीति को समझा रहा था। रो रो के बुरा हाल कर दिया उसने अपना। एक ही चीज की रट लगा के बैठी। मम्मी जी बच तो जाएंगी, मम्मी जी ठीक तो हो जाएंगी। वो तो जिद करने लगी हॉस्पिटल लाने की। बच्चों का वास्ता देकर मैंने उसको घर छोड़ा। बड़ी खबर जो कि आ रही है आगरा से। यहाँ रहने वाली एक सिंपल सी हाउसवाइफ रेणुका तिवारी अचानक से ही चर्चा का विषय बन गई। हम आपको बता दें कि रेणुका तिवारी 2 बड़े-बड़े बच्चों की मां है और प्रेग्नेंट है, और आगरा के ही एक अस्पताल में आज उनका किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन किया जा रहा है। ये पूरी दुनिया का 7वां केस है जब किसी महिला का किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन प्रेगनेंसी के दौरान किया जाएगा। हर किसी की नजर इस बात पे टिकी है कि क्या ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा या नहीं। हम आपको बता दें कि अगर ये सर्जरी कामयाब हुई और इस केस में चच्चा और बच्चा दोनों ही सरवाइव कर गए तो इस वर्ल्ड में ये चमत्कार केवल दूसरी बार कहलाएगा। यही इस केस की इंटरेस्टिंग और यूनिक बात है। हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप परेशान मत होइए, घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। इस बच्चे का जिंदा रहना मेरे लिए बहुत जरूरी है। प्लीज गॉड, इस बच्चे को बचा लेना। डॉक्टर, कैसी है नव्या? नव्या? डोंट वरी मिस्टर तिवारी। गुड न्यूज आनी स्टार्ट हो गई है। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। अभी सिर्फ ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन बाकी है। लेट्स विश कि आपकी वाइफ की बॉडी और बेबी दोनों इस नए किडनी को एक्सेप्ट कर लें। थैंक यू डॉक्टर। मम्मा, रानी को क्या हुआ है? वो हॉस्पिटल में क्यों है? मुझे भी उसके पास जाना है। मैं ले जाऊंगी जल्दी। हाँ मम्मी, हाँ? रानी तो बहुत फेमस हो गई है, पर उन्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ बेटा। यश बेटा, तेरी रानी को कछु भी नहीं हुआ है। अरे वो तो बहुत बहादुर है, देखना अभी जल्दी से वापस आ जाएगी एकदम ठीक होकर। चलो हम भगवान जी से प्रार्थना करें तेरी रानी के लिए। बोल चल चल। प्लीज भगवान जी, मेरी रानी को ठीक कर दो। हाँ किस्सा, हमारी माँ रानी को ठीक कर दो। मैंने जो कुछ भी किया वो मेरा फर्ज था। ये सब कह के मुझे कहर मत बनाइए। और अगर कल को मेरा बच्चा होता तो क्या आपकी गोद में नहीं खेलता? खेलता ना। तो बस ऐसे ही जब आपका ये बच्चा होगा तो मेरी गोद में भी तो खेलेगा ना, क्या ही फर्क है। आपको इस सबके लिए कोई संकल्प लेने की या लीगल एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। आपको मुझे रिटर्न में देना होगा कि आपका और मम्मी का ये बच्चा मेरा यानी आदित्य मुकुंद तिवारी और उसकी पत्नी नव्या तिवारी का लीगली होगा। जी तुम्हारी सोच है, लेकिन हम जो कह रहे हैं वो हमारा फैसला है और हम अपने फैसले पे अटल रहेंगे नव्या। अरे मम्मी ये सब बातें होती रहेंगी। मम्मी आपको रेस्ट की जरूरत है, आप मेरे साथ चलिए। और वैसे भी मुझे आपको कुछ दिखाना है, चलिए आइए। ये देखिए ये सब का है जे आप दोनों ने किया? नहीं, ये तो मामू ने किया है। हाँ, हमने उनकी हेल्प की है। ये कितना साफ साफ है नानी, अब इसमें ही सोना ठीक है। हाँ, और मम्मी आज से आप अपना पूरा ढंग से ध्यान रखेंगी। जानती है मम्मी, ये पिछले कुछ दिन हम सबके लिए बहुत मुश्किल हुए। ऑपरेशन आपका हो रहा था पर जान हम सबकी अटकी हुई थी, इसलिए आप और आपका आने वाला बच्चा हम सबके लिए इस दुनिया में सबसे कीमती है। हम जानते थे हमारा आदि बुरा इंसान नहीं हो सकता। हाँ, बस गलत रास्ते पर जाके भटक गया है, पर हमें पूरा विश्वास था कि तुम सही रास्ते पर लौट आओगे। आई एम सॉरी मॉम, मैं भटक गया था, लेकिन आपकी सर्जरी ने मुझे बिल्कुल बदल दिया। आपको खोने के डर ने मेरे जीने का पर्सपेक्टिव बदल दिया। इसलिए मेरी पिछली सारी गलतियों के मैं आपसे फिर से माफी मांगता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका ये बेटा फिर से कभी गलत राह में नहीं जाएगा। मिस्टर तिवारी, आपको आपकी पत्नी का ध्यान रखना पड़ेगा। उनकी हालत अभी भी बहुत नाजुक है, जरा सी भी चूक हुई तो पत्नी और बच्चा दोनों की जान को खतरा हो सकता है। ठीक है मम्मी, चलो फ्रूट खाते हैं। मुझे माफ कर दीजिए पापा। आई एम सॉरी पापा। जो दुकान आपकी जिंदगी है मैंने उसकी रिस्पेक्ट नहीं करी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कभी भी आपकी उम्मीदों में खरा नहीं उतरा। आई एम सॉरी। एक बात मैं जानता हूं पापा, आइए 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 पापा, कि इस पूरी दुनिया में मम्मी का सबसे अच्छा ख्याल सिर्फ आप रख सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि दुकान या कोई और चीज आपका ध्यान भटकाए, इसलिए आप टेंशन छोड़ दीजिए। आज से सारा काम मैं देखूंगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दुकान वैसे ही चलेगी जैसे आप चलाते थे। लेकिन पापा, दुकान चलाने के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। वो क्या है कि रेनोवेशन करना पड़ेगा और नया सामान लाना पड़ेगा। और पापा, मैं सही में दुकान चलाना चाहता हूँ। मम्मी ठीक ही तो कह रहा है तिवारी जी। और नया जमाना है तो फिर नए जमाने के हिसाब से दुकान बनानी पड़ेगी ना। नव्या, तुम पापा को बोलो ना, तुम्हारी वो हर बात मानते हैं। अब इतना सपोर्ट तो डिजर्व करता हूँ ना। पापा जी, इस वक्त माँ को आपकी जरूरत है और आई एम श्योर आदि सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लेगा। देखा पापा, अब मेरे पास 3 वोट्स हो गए। आदि, ये कौनो चुनाव थोड़ी ना चल रहा है जो तुम वोटों की बात कर रहे हो और इकट्ठा कर रहे हो। तिवारी जी, हाँ? दे दीजिए ना 10 लाख रुपए। प्लीज पापा। मम्मी, कसम है आप दोनों को हमारी, सच बताइए हमें। क्या बात है सासू माँ, आज तो मैं कायल हो गया आपके तेवर का। अब देखिए, इस नाटक को मैं इतना यादगार बना दूंगा कि पूरा तिवारी खानदान इसे जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। बताइए मम्मी को क्या आपने क्या किया? पहले इन्होंने सबके सामने मुझे चेक दिया, उसके बाद अकेले में ले जाके उससे गले लग के मुझे चिढ़ाया, कहा कि उस चेक की मैंने पेमेंट रोक दी है। बताइए मैं क्या करता, क्या बताता मैं सबको? ये कि कभी नियत ही नहीं थी मुझे चेक देने की। रेनू, माँ, तुम चुप हो जाओ। ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं, समझे? मुझे किसी से बात नहीं करनी। रेनू, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, तुम अंदर चलो। रेनू, मैं संभालती हूँ माँ को, मैं हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। आइए माँ, आइए आइए। माँ, माँ ये लीजिए, पानी पीजिए। काहे कर रहे हैं तिवारी जी? जैसा मान काहे नहीं जाते, सब कछु आदि को दे काहे नहीं देते? माँ प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए, इतना अच्छा नहीं है आपके लिए। प्लीज सब ठीक हो जाएगा, ओके? आपको बेटर लग रहा है? पानी पी लीजिए। और बहुत बड़ा धोखा हुआ है मेरे संग शादी के वक्त। मतलब? मुझे पूरा यकीन कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पैदा नहीं किया, बल्कि किसी मेले में से अनाथ आश्रम से उठाकर लाए। ऐसे क्यों बोल रहे हैं आलोक जी? क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि तुम अगर आदि की सगी बहन होती ना तो थोड़ा सा कमीनापन होता तुम, और अगर थोड़ा सा कमीनापन होता ना तो मेरा पल्ला भारी होता। आप ठीक कह रहे हैं आलोक जी, मुझ में बहुत सारी कमियां हैं, इसलिए भगवान ने मेरी लाइफ में आपको भेजा है। अब आप ही को कुछ करना होगा। करना मुझे ही पड़ेगा, इसीलिए आज शाम को नव्या और सासू माँ को मैं आदि के कमीनेपन का नमूना दिखाऊंगा। क्योंकि अब ना तो हमारे पूज्य ससुर जी से और ना तो तुमसे कुछ हो पाएगा। अब जो करेंगी ना वो करेंगी हमारी प्यारी सासू माँ। जस्ट वेट एंड वॉच। थक गया हूं, मैं लिटरली थक गया हूं। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो मारो मारो। अरे हाथ छोड़ो मेरा, क्या कर रहे हो तुम? सब मुझे कभी ना समझते एंड आई नो कहीं ना कहीं तुम भी मुझ पे शक करती हो, तुम्हें सब झूठ लगता है ना नव्या? नहीं आदि, गलत समझ रहे हो तुम, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम माँ और पापा जी की मदद करना चाहती हो, अच्छे से जानती हूँ, बस मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पापा जी ने सब क्यों किया। और एक बार तुम उनसे बात तो करके देखो, पापा है वो तुम्हारे, आई एम श्योर वो समझ करेंगे। तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं करी? पापा मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करना चाहते। यू नो व्हाट, कल मैंने उन्हें ड्रिंक पे इन्वाइट किया था, उनसे अपनी दिल की बात कहना चाहता था, उन्हें बताना चाहता था कि हाँ मुझ पे ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि पास में मैंने जो किया है ना। तुमने देखा उन्होंने क्या किया? क्या करूं मैं? जब सुधरना चाहता हूं तो कोई सुधरने का मौका नहीं दे रहा है, बिल्कुल अकेला पड़ गया। आदि बेबी, ऐसी कोई बात नहीं है। सुनो, तुम अकेले नहीं हो, कल भी तुम्हारे साथ थी और आज भी तुम्हारे साथ हो। ये सब क्या है? चिल्लाओ मत, हद से ज्यादा नीचे गिर चुके हो तुम। चोरी के लिए माफी मांगी तो दुकान जला दी तुमने, कोई चोट वोट नहीं लगी है तुम्हें। सीनियर से गिरने का नाटक किया तुमने ताकि माँ तुम्हारा वीडियो ना देखे। सुमित्रा बुआ तो चली गई, मेरे अपनी परछाई छोड़ गई तुमने। नव्या तभी से बात करो। डोंट येल, चिल्लाओगे तो माँ आ जाएंगे और जो तुम नहीं चाहते ना उन्हें भी पता चल जाएगा। धमका रही हो मुझे? मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम मम्मी को कुछ नहीं बताओगी, क्योंकि तुम एक अच्छी बहू, और एक अच्छी बहू अपनी सास को क्यों टेंशन देगी, वो भी इस टाइम पे। तो किसी बात का तो है मुझे कि तुम्हें माँ की बीमारी पे कोई दुख नहीं, तुम इस्तेमाल कर रहे हो उनका, फायदा उठा रहे, उनकी बीमार होने का। तुम्हें तो इस बात का भी अफसोस नहीं है कि मुझे अपनी पत्नी, अपनी जान को इस हरकत के बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए खो चुके। हाँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ना तुम्हारी ना तुम्हारे प्यार की। अपने पति की छोड़ के तुम्हें पूरी दुनिया की पड़ी है। वाह नव्या तिवारी, तुमसे यही उम्मीद थी। वेल डन। यार गौतम, ये विस्की कितनी स्मूथ है, और मेरी पत्नी नव्या करवाहट ही करवाहट भरी है। आदि, हाँ मैं निकलता हूँ, नहीं तो मेरी बीवी तेरी बीवी की तरह हो जाएगी। चल, ध्यान रखो। जा जा, ध्यान रखो। चल तुम पी जाओ। हेलो, आ गए हमारे घर के सबसे बड़े जासूस मिस्टर आलोक दुबे। बोल लो भाई, तुम भी बोल लो। नीचे पापा जी ने क्लास ले ली, यहाँ तुम सुना रहे हो। सुना नहीं, बता रहा हूँ। यार कमाल की है मेरी मम्मी, कैसे सबको अपनी मुट्ठी में कर रखा है। सही कह रहा, तुम अपनी मम्मी को मुट्ठी में रखते हो, है ना? पर एक बात समझ में नहीं आई यार, देखो मम्मी पे तो तुम्हारा जादू चल गया, पर पापा पे जोर नहीं चलता बिल्कुल भी। मुझे ये समझ में नहीं आता कि पापा जी आखिर तुमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। अपनी सारी वसीयत बच्चे के नाम पे कर दी, जो इस दुनिया में आया तक नहीं है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका दिमाग घुमा हुआ है। अरे मम्मी, आप क्या कर रही हैं यहाँ पे? हम नव्या के लिए दूध लेने आए थे। आप छोड़िए, मैं आप दोनों के लिए लेके आती हूँ, आप रूम में जाइए। अरे प्रीति, उस समय तुम हमें टीवी पे क्या दिखाना चाह रही थी? नव्या कछु बात करने लगी और फिर आधी गिर गया तो हमारे ध्यान से निकल गया। मम्मी, हमें आपको ना वो सच्चाई बतानी थी जो अब तक आपसे छुपी हुई है। सच्चाई? हाँ। संभाल, झुको मत। प्रीति, वो झुक ना सकेगी, तुम उठा दो। हाँ, सॉरी देवो। मम्मी, मैं तो खुद हैरान हो गई थी, पता ही नहीं चला था कि ये सच्चाई भी हो सकती है। प्रीति, साफ साफ कहो, पहेलियां मत बुझाओ। माँ, ये पहेलियां बाद में बुझाएंगे, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, मेरे साथ चलिए। एक मिनट, प्रीति हमें कुछ जरूरी बात बता रही है। तो मम्मी, क्या हुआ ना, अब तक जो आपसे सच्चाई छुपाई गई थी ना, मुझे लगता है कि तुम्हें ना अस्पताल में एडमिट करना ही पड़ेगा। अरे तुम कमरे में नहीं बैठ सकती अपने? क्या कितनी बार बता चुका हूं मैं तुम्हें। और बच्चे हैं ना काम करने के लिए, बाकी काम करने के लिए बाई भी रख दी है? बल्कि तुम्हें तो नव्या को समझाना चाहिए कि काम नहीं करे। क्या कर रही हो यार? चलो कमरे पे चलो। हम बस वो प्रीति से कुछ बात कर रहे। कोई बात नहीं करनी किसी से, चलो यार। इधर आओ मेरे साथ, चलो। ये क्या बताने वाली थी आप? आपको पता है ना उनकी तबीयत वैसे ही खराब है, उनको और स्ट्रेस क्यों दे रही है सब बातें करके? नव्या, अपना ज्ञान अपने पास रखो। अगर इतनी हिम्मत है ना तो जाके अपने पति को रोको। मैं ना तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, तुम जानबूझकर मम्मी को यहाँ से भेज रही थी ना। अगर मैं भी देखती हूँ तुम कब तक अपने पति को बचा पाओगी। एक ना एक दिन तो सच्चाई सामने आ ही जाएगी सबके सामने। मम्मी, ये क्या कर रही हो? हम अपने बेटे को चलाएंगे। कहा निकल गई सारी हैकड़ी, इरादा बदल गया आदि। हाँ, एक माँ अपने बच्चे को उससे ज्यादा जानत है। एक माँ ये बात अच्छी तरह से जानत है कि उसका बच्चा किस सीमा तक जा सकता है और क्या हद है उसकी। और हम तुमसे ज्यादा जानत हैं आदि। कहाँ चाहिए तुम्हें? बोलो कहाँ चाहिए आदि? सब कुछ लिख के दे दिया था ना तिवारी जी ने तुम्हें, फिर कहाँ है ऐसा जिसके लिए इतनी नफरत तुम्हारे मन में? कहाँ चाहिए बोलो? जे तिवारी निवास, दुकान, सब कुछ अपने हिसाब से चलाना चाहते हो, सब कछु अपने ढंग से करना चाहते हो जाई ना, तो ठीक है, तुम्हारी जे इच्छा भी आज पूरी कर देते हैं। चले जाएंगे हम और तिवारी जी यहाँ से बहुत दूर, तब तक जब तक कि तुम्हारा जीना भर जाए। सब कछु तुम्हारा, हर फैसला तुम्हारा, जैसा तुम चाहो वैसा करो। चला के दिखाओ सब कुछ, साबित करो खुद को, साबित करो आदि। कोई रोक टोक नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें, लेकिन एक बात याद रखना, जब हम वापस आएंगे तो इस उम्मीद के साथ आएंगे कि हमारा हारे और एक मां, उसकी परवरिश और उसका विश्वास जीते। हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारा डर गलत साबित हो और हमारी परवरिश सही मुझे आपकी शर्त मंजूर है मम्मी, आप गलत साबित नहीं होंगी। मुझे नहीं लगता रेनू कि तुम्हारा विश्वास जीतेगा। आदि बहुत दूर जा चुका करती हो, फिर से बैठ गई तुम। चलो उठो, चल। नहीं नहीं तिवारी जी, अब हम और नहीं चल सकते। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। चलो उठो 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 उठो। अच्छा, आपको क्या पता एक और जिंदगी का वजन उठा के चलना कितना मुश्किल काम हो गए। हाँ, आप क्या समझोगे? अच्छा हाँ, सही कह, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। ऐसा करते हैं, कल से ना मैं भी 2-4 तकिए बांध लेता हूँ ताकि तुम्हें शिकायत का मौका ही ना मिले। हंस लो हंस लो, उड़ा लो हमारा मजाक आप। अरे नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन तुम खड़े हो, खड़े हो। चलो 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 चलो, उठो 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 जल्दी। चलो आओ। पकड़ लिया। अरे गुड़िया, चलो चलो हमारे साथ खेलो। नहीं नहीं, हम बहुत थक गए, अब आज और नहीं चलेंगे। अरे अरे आंटी, चलना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने प्रॉमिस करा ना मुझसे, आप मेरे साथ पकड़म पकड़ाई खेलोगी। और मम्मी कहती है प्रॉमिस तोड़ना अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल गलत बात। हाँ, तो हम प्रॉमिस तोड़ कहाँ रहे हैं, हम तो बस ये कह रहे हैं कि आज नहीं कल खेलेंगे। नहीं नहीं आंटी, आज हमें खेलना पड़ेगा। अब देखो, मेरी तरफ ऐसे मत देखो, ये तुम दोनों के बीच का मामला है, मैं नहीं कुछ जानता। चलो गुड़िया, तुम एक काम करो, तुम आगे आगे भागो, आंटी तुम्हें पकड़ेंगी। चलो चलो भागो 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 इस तरफ। तिवारी जी आप भी ना। अरे क्या आप भी ना, चलो।